Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to another video। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की शानदार सी वीडियो में आपके आपने आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें कवर की हैं, जिसमें आपको ऊन मिल जाएगी, उसके अलावा बालों में लगाने वाले फूल, उसके अलावा आर्टिफिशियल फ्लावर जो होते हैं फॉर्मिक शीट के बने हुए, और ज्वेलरी मेकिंग का हर सामान आपको यहाँ मिल जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। ऊन आपको मिल जाएगी जो कि सर्दियों में बहुत एक्सपेंसिव मिल रही होती है, गर्मियों में भी बहुत एक्सपेंसिव मिल रही होती है। यहाँ पर आप लोगों के लिए हर तरह की ऊन आपके आप ही ने कवर की है, जो कि आपको बहुत अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगी। ऊन, क्रोशिया के वर्क के सामान, उसके अलावा जो होम डेकोरेशन करते हो। अच्छा जी, इनकी शॉप की मैंने पहले भी दो वीडियोस अपलोड कर दी हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए। आपको यहाँ पर आर्ट का सामान भी मिल जाएगा, अगर आप लोग आर्ट के सामान में इंटरेस्टेड हैं, पेंटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसका सामान भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसके दोनों पार्ट्स भी आप लोगों ने देखने हैं। इनकी शॉप बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल रेट में बहुत सारा सामान सेल करती है। तो ये है कौसर फाइन आर्ट, जो कि आपको मेमन के बिल्कुल सामने मिलेगी। एड्रेस आप लोग उस वीडियो में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन वर्क भी ये करते हैं। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप फ्लावर्स की वैरायटी देख रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको डेकोरेशन के हिसाब से फ्लावर्स, आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि फ्लावर्स भी दिखाएं आप भी, तो ये देख लीजिए फ्लावर्स आप देख लीजिए। इस पे आपको डिफरेंट जो अभी बेबी बिलेट्स जो चल रहे हैं, बेबी बिलेट्स अभी हम नहीं रखते, तो ये पॉलिश चल रहे हैं मटेरियल में जो चल रहे हैं, हुक वगैरह में चल रहे हैं। तो इनकी प्राइस भी बता दीजिए, क्या प्राइस है? बड़े डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये फोमिक वाला है, ये 60 का बंच है। अच्छा, ये वाला है, ये 80 का बंच है। ठीक है, और इसके अलावा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 40 का एक बंच है, ये पेपर वाले हैं। अच्छा, ये पेपर वाले हैं। इसमें छोटे साइज भी मिलते हैं, ये देख लीजिए छोटे पेपर हैं, ये 30 का एक, ये भी 30 का एक बंच है। ये देख लीजिए, इस तरीके के बंचेस आपको मिल जाएंगे फ्लावर्स में। और यहाँ पर आपको काफी सारा आर्ट का सामान उनकी शॉप के बाहर भी नजर आएगा। शॉप के बाहर भी आपको एरिया दिखा देती हूँ, यहाँ पर ये देख लीजिए, इस तरीके के फ्लावर भी है। ये फेदर की बेल है, फेदर की बेल है, ये देखिए कितनी जबरदस्त बेल है। फेदर उड़ना शुरू हो गए, हवा चल रही है, धूप हो रही है, और ये देख लीजिए पूरी बेल है, फेदर की बेल है। क्या प्राइस है? 350 की है। अच्छा जी, ये 650, ये 6 फीट है। अच्छा जी, 2 यार्ड जो होती है। ज्वेलरी मेकिंग का सामान भी यहाँ पर है। यहाँ पर आपको बॉटल्स में बहुत सारी वरायटी नजर आ रही होगी, जो की चेन्स के छोटे छोटे बीड्स की है, और किचन वगैरह का जो सामान होता है उसकी है। यहाँ पर इसमें सामान रखा हुआ है भाई, इसकी अलग अलग प्राइजेज हैं। जी, अलग अलग प्राइजेज हैं। ये कुछ दिखा देंगे आप इसमें, लाइक ज्वेलरी का सामान भी है, किचन का सामान भी है। वहाँ पर आपको हेयर क्लिप्स भी नजर आ रही होंगी, जो बहुत ज्यादा मेमन में ज्वेलरियाँ बनाई जाती हैं। उसके अलावा भी घर पे जो खवातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ ज्वेलरी बनाती है, लॉरियल चेन कहलाती है, ये देख लीजिए। आपको इसमें मैं ज्यादा वैरायटी नहीं दिखाऊंगी, जो जो भाई दिखा रहे हैं वो दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी, ह्यूज कलेक्शन है इनके पास, एक जबरदस्त वैरायटी की। ये देख लीजिए, ब्रेसलेट वाली ये चेन है। अच्छा, इनकी क्या प्राइसेस है? साथ साथ बताते जाइए। ये 40 की पर यार्ड है, ये 100 रुपीज की पर यार्ड है। अच्छा, पर यार्ड के हिसाब से मतलब, यानी ये पूरी चेन मिलती है जिसमें अलग से हुक लगाया जाता है? नहीं, वो अलग से हुक लगाया जाता है। अच्छा, यानी हुक अलग से लगाया जाता है, पूरी यार्ड के हिसाब से चेन मिल जाती है। जो खवातीन ज्वेलरी बनाती होंगी उनको पता होगा। और ये आपने चेन भी देख ली, इसमें के ज्वाइनिंग रिंग मिल जाएंगे जो ब्रेसलेट वगैरह में चलते हैं, ये देख, इसके लॉक्स भी आपको मिल जाएंगे इस टाइप के, ये देख लीजिए। ये देखिए, ये डलता है, इससे पूरी चेन ज्वाइंट होती है, और ब्रेसलेट में भी डलता है, और इसमें क्रिस्टल्स भी डलते हैं, और मोतियाँ भी डलती हैं। ये रिंग के हुक हैं, ये भी दिखा दूँगा आपको। ये देखिए, इयर रिंग्स बनाने की भी आपको सामान मिल जाएगा, ये देखिए कितने जबरदस्त सामान है, ये देख लीजिए। हुक होते हैं, अच्छा स्टड्स भी तो होते हैं भाई, वो भी मिल जाते हैं, सब चीजें मिल जाती हैं, देख लीजिए। टॉक्स वगैरह की बेसिस वगैरह मिल जाएंगे आपको, और जो इनको लगाने वाली ग्लू होती है वो भी है हमारे पास अवेलेबल, वो भी अवेलेबल है, ये देख लीजिए। स्टड्स भी आ गए, अगर आप टॉप्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये मिल जाएंगे, और ज्वेलरी की भी जितनी वैरायटी है वो भी यहाँ नजर आ गई आपको। तो मालाएं लगी हुई हैं और ये मोतियाँ लगी हुई है, इनके प्राइजेस भी गाइड करते जाइए। ये मार्बल की लड़ी है, ये 150 की है के। अच्छा, ये नॉर्मल पल्स हैं, ये 70 के है, 6 mm। अच्छा, कोई से भी ले लें, डिफरेंट प्राइस में सबके साइजेस के ऊपर होते हैं। ये 4 mm है, ये देख लीजिए, ये 6 mm है, ठीक है, ये 8 mm है। इनके साथ प्राइजेस भी बताते जाइए इनकी। ये 8 mm है, ये 100 की है, ये 70 की है, और ये 5 4 mm, ये 50 की है, ठीक है, हो गया। बाकी ये क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे,
ये देख लीजिए क्रिस्टल्स है। आजकल ना होम डेकोरेशन में काफी ये सामान चल रहा है। और इसकी क्या प्राइस है? ये 4mm वाली 50 की है। अच्छा, ये 6mm भी आपको मिल जाएगी। ये देख लीजिए यहाँ पर ये आपको हर तरीके की क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, बीट्स मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको ये स्टोन टाइप के ये क्रिस्टल्स हैं। ये देख लीजिए इसमें कलर्स आते हैं, देख लीजिए। अच्छा जी, ठीक हो गए। पूरी लड़ी मिल जाएगी, सारे कलर मिल जाएंगे। अच्छा, कलर भी सारे मिल जाएंगे आपको और वैरायटी भी सारी मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो बीड्स नजर आ रहे हैं, ये ब्रेसलेट में जो आजकल चल रहे हैं बीड्स, हाँ, ये जो आजकल हैंड ब्रेसलेट वगैरह बन रहे हैं ना, ठीक है, उनके बीड्स हैं। तो इनकी क्या प्राइस है? 100 का एक पैकेट है। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो वुडन क्लिप्स हैं, इनकी भी यही प्राइस है? ये भी वही प्राइस है। अच्छा, ये देख लीजिए, इसमें आपको वुडन में भी मिल जाएगा, गोल्डन में भी मिल जाएगा, सिल्वर में भी मिल जाएगा। काफी कस्टमर भी आए हुए हैं तो शोर भी ज्यादा हो रहा है। यहाँ आपको बीड्स में कलेक्शन में दिखा देती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है बीड्स में। ये देखिए इस तरीके की कितनी खूबसूरत सी जो ब्रेसलेट की कलेक्शन है, ये मिल जाएंगी आपको बीड्स में, बड़ी प्यारी प्यारी सी खूबसूरत। देख लीजिए उन्होंने ऊपर से ये वैरायटी उठाई है, ये हेयर पिन की बेस है। आपको ब्रशेस अवेलेबल मिल जाएंगे सिंगल में, जो आपको चाहिए हो ब्रशेस। अच्छा, ये दिखा दूंगा मैं अभी आपको। हेयर बैंड की बेसिस हैं जो आपको नजर आ रही हैं, इसमें एक आपको गोल्ड में भी नजर आ रही है जो मेटल टाइप की है। इसके ऊपर काफी नरम सी सेटिन रिबन टाइप कुछ चढ़ी हुई है, ये आपको मिल जाएगी हेयर बैंड बनाने के लिए। जो लड़कियां झुंडियां बनाती हैं और इस तरीके के हेयर एक्सेसरी बनाती हैं, उनको पता होगा इसका यूज। देखिए वाली हेयर बैंड की बेस है। इसकी क्या प्राइस हो जाएगी भाई? ये 20 की है और ये रिबन वाली 30 की है। अच्छा, ये रिबन वाली की प्राइस अलग है और मेटल वाली जो आपको नजर आ रही है उसकी प्राइस अलग है। ये पर्स के क्लिप वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिए लॉक्स जो होते हैं पर्स के, ये देख लीजिए पर्स के हुक्स होते हैं जो के अक्सर पर्स मेकिंग में यूज होते हैं, फूल के भी पर्स बनते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ना डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में यहाँ पर बीड्स मिल जाएंगे, आपको इस तरीके के बीड्स मिल जाएंगे। इनकी स्टार्टिंग प्राइस बता देंगे? इनकी 38 ग्राम से भी होते हैं, कुछ पीसेस के हिसाब से आते हैं, सबके डिफरेंट प्राइस हैं। स्टार्टिंग प्राइस यानी कोई ये बीड्स नहीं, 20 के 10 ग्राम से। ये देख लें, ये भी सेट वगैरह में लगते हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये 20 ग्राम से 20 रुपीज। ये देख लीजिए आपको बीड्स मिल जाएंगे, इसमें इस तरीके के सितारे मिल जाएंगे, बड़े बड़े बीड्स में मिल जाएंगे, आपको बटन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये सब बॉटल्स में रखे हुए हैं और आपको यहाँ के विजिट ही करना पड़ेगा, तभी आपको ये अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, सब चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिए, अगर आप लोग विजिट के अलावा ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं आप। हाजी, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये इस तरीके का धागा है, क्रोशिया वर्क के लिए ही यूज़ होता है ये भी। ये यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका नंबर भी देख लीजिए, नायलॉन का ये है और काफी अच्छा है ये। इसमें मुझे ज्यादा वैरायटी का कुछ पता नहीं है, आपको बस दिखा रही हूं। 12 नंबर है, 18 नंबर इसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये देख लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी क्रोएशिया में यूज होता है, ये भी क्रोएशिया में यूज होते हैं। इसमें के ऊन भी आपको मिल जाएंगे क्रोएशिया। क्या क्या प्राइस है? ये 250 का, ये 400 का है। पूरा रोल 250 का है और ये 400 का है। सिंगल कलर 400 का है, मल्टी वाला जो इसका होता है वो 450 का है। अच्छा, मल्टी वाले की प्राइस अलग है और एक आता है हाफ जरी इसमें का, देख लीजिए ये हाफ जरी है। ये देख लीजिए, इसमें ये आपको मिल जाएगा क्रोएशिया के ही हिसाब से, काफी अच्छे यहाँ पर आपको धागे मिल जाएंगे। ये देख लें, ये देख लीजिए, इसकी क्या प्राइस हो जाएगी? ये 450 है। ये देखिए, इसकी प्राइस भी इन्होंने बता दी है। उसके अलावा मैं आपको ऊन दिखा देती हूँ, ऊन में भी यहाँ पर ऊपर और भी बहुत सारे धागे, आपको ऊन दिखा देती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की ऊन है, बहुत ही ह्यूज कलेक्शन है ऊन में, और काफ़ी बड़ी बड़ी आपको मोटी ऊन भी मिल जाएगी, पतली ऊन भी मिल जाएगी, ये आप देख लीजिए। अच्छा, प्राइसेस बता दीजिए अब ऊन की। ये वाला ऊन है, ये 80 ग्राम में 150 का है ये। अच्छा, ये 4 ply का है, ये भी 4 ply है, ये 70 ग्राम में 130 का है ये वाला। अच्छा, ग्राम में उससे कम है। अच्छा, एक पतला वाला भी ऊन होता है? पतला वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये छोटा ऊन है, ये देखें, ये छोटा ऊन है जी, ये पतले का ही छोटा ऊन है। ये देख लीजिए, ये छोटा ऊन है, वो जो आपको नजर आ रहा है वो बड़ा है। इसकी क्या प्राइस है?
ये 60 का है कि 35 ग्राम से इसमें। अच्छा ये देख लीजिए, इसकी प्राइस भी बता दें। ये छोटा है और इसमें आपको बड़ा भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ा सा इसका रोल है और देख लीजिए इस तरीके से ये बड़ा जो ऊन का गोला होता है वो है। इसमें ये मोटा धागा है, वो पतला धागा है। प्राइस इसकी बता दी है 150 है, उसकी प्राइस भी बता दी है। ये देख लीजिए, ये बड़ा ऊन है। अच्छा ये देख लीजिए, बड़ा ऊन है और ये पतली वाली है। क्या प्राइस है? 180 का एक है, 100 ग्राम से। अच्छा ये देख लीजिए, आपको ऊन में भी दिखा दिए, कलर्स भी दिखा, जो है इनके क्या प्राइजेस अलग है? ये जो यहाँ मल्टी कलर रखे हैं, ये 180 का है। अच्छा ये देख लीजिए, मल्टी कलर में, ये डिफरेंट कलर्स में भी है, 2 कलर्स में भी है, 3 कलर्स में भी है, मल्टी कलर में प्राइस अलग है। उसके अलावा आपको उनकी एक नई वैरायटी दिखाती हूँ। ये आप लोग अगर काम करते हैं उनका तो आपको पता होगा इस प्राइस का, ये भी आपको मिल जाएगी। इसकी क्या प्राइस है? ये 250 का है। अच्छा ये देख लीजिए, इम्पोर्टेड मिल जाएगा। ये इसमें देख लीजिए, आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे। ह्यूज कलेक्शन है इनके पास ऊन के कलर्स की, आपको जो कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा ये ऊन भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन? ऊन भी मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा जी देख लीजिए, ऊन भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। सब सामान आप ऊन में मंगवा, सब सामान आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ये देख लीजिए, ये 12 नंबर है, इसकी का छोटा रील है। अच्छा ये देख लीजिए आप, जो भी आपको दिखाया था, हर तरीके का सामान मिल जाएगा। कितना सामान आप यहाँ पे दिखाएं, ये देखें इसकी क्या प्राइस हो जाएगी? 70 का एक है। अच्छा प्राइजेस भी यहाँ पर साथ साथ बताए जा रहे हैं। उसके अलावा ये जो यहाँ पर ये बड़े धागे रखे हुए हैं, ये रेट के लाते हैं, ये देख 100 रुपीज का एक है। ये देख लीजिए, ये 100 रुपीज़ का मिल जाएगा और इसमें कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। कलर्स आपको वहाँ देख लीजिए, कलर्स डिफरेंट डिफरेंट रखे हुए हैं, ये देख लीजिए, कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसकी प्राइस भी बता दी है। धागों में भी बहुत सारी वैरायटी है और एक ये रेशम का धागा भी यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा ये वीवर्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट धागे मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, ये रेशम का धागा कैसे दे रहे हैं? ये 20 का एक है, ये इसमें आपको ये सारे कलर। अच्छा ये देख लीजिए, और उसके अलावा इन्होंने एक और वैरायटी निकाली है, ये टॉवल यान कहलाते हैं। अच्छा जी ये देख लीजिए, वीविंग वगैरह में काम में आते हैं, बाकी ब्लैंकेट वगैरह में भी काम में आते हैं। अच्छा, ये वाला जी ये देख लीजिए, बड़े जबरदस्त से ये इन्होंने धागे निकाले। ये देखिए इसकी क्या प्राइस है? ये 450 का है। बड़ी नरम मुलायम सी है ये, और इतने का ही मिलेगा ये? और इसमें और कलर्स मिल जाएंगे? ये सारे कलर्स हैं अवेलेबल वहाँ पर। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, आपको कलर्स अगर नज़र आ रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज दें। वैसे इनके पास कलर्स बहुत सारे होते हैं ऊन में भी, और उनमें भी बहुत डिफरेंट वैरायटी है, इन्होंने डिफरेंट वैरायटी दिखाई। इसकी क्या प्राइस है भाई? ये 400 का है। अच्छा जी 400 का, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको सिलाई का सामान भी मिल जाएगा। अच्छा ये मकरामा डोरी है क्या? जी ये कैंडल डोरी है, मकरामा में काम में आती है ये वाली। अच्छा ये देख लीजिए, ये डोरी भी देख लीजिए, आपको हर तरीके की डोरी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, हर तरीके की वैरायटी यहाँ नज़र आ रही है। ये देख लीजिए, ये पूरा सेट मिलता है या फिर सिंगल सिंगल? सिंगल सिंगल ये मिल जाएंगी, ये 30 की एक है और ये पूरी मिलती है लच्छी। अच्छा ये पूरी लच्छी मिलती है, इसकी क्या प्राइस है? ये 120 की है। और ये कितने गज टाइप जो होता ये है? ये 25 यार्ड होती है, इसमें एक लच्छी में 10 यार्ड होती है। अच्छा ये देख लीजिए, यार्ड के हिसाब से है। इसमें कलर्स भी बहुत सारे रखे हुए हैं, और ये देखिए ऊन में उन्होंने और वैरायटी निकाल ली है, इम्पोर्टेड ऊन है। अच्छा इम्पोर्टेड ऊन है, ये देखिए क्या प्राइस है इसकी? ये 500 का है। 500 का, ये देख लीजिए प्राइस भी आपको दिखा रही हूँ, और जो आपको वैसे ऊन दिखाई वो भी काफ़ी अच्छी है। ये वाली जो मैंने दिखाई थी ये वाली भी काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा और भी बहुत सारे वैरायटी हैं यहाँ पर। आपको सिलाई सामान मिल जाएगा, सिलाई भी अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा कंप्यूटर हो गई, कार्ड शीट्स हो गई, ये सारे कलर हैं अवेलेबल। अच्छा पूरा सेट मिलता है जी, क्या प्राइस होती है? 200 का है। अच्छा ये देख लीजिए, आपको अलग अलग से शीट भी मिल जाएगी, पूरा सेट भी मिल जाएगा। उसके अलावा आपको बड़ी बड़ी कार्ड शीट मिल जाएंगी, जो कि यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। ये देख लीजिए, ये कार्ड शीट जो आपको नज़र आ रही है, जितना भी आर्ट का सामान होता है ना, वो सब आपको इस शॉप में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। बार बार आपको बोल रही हूँ, अगर आपको कोई चीज़ वीडियो में ही अच्छी लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज दें इनको, ताकि इनके लिए भी आसानी हो, आपके लिए भी आसानी हो। और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर ज्वेलरी मेकिंग का सामान नज़र आ रहा है, देख लीजिए आपको इस तरीके की लच्छियाँ मिल जाएंगी, ये रेशम की, और
आपको इसमें डिफरेंट टूल्स मिल जाएंगे। अच्छा, क्रोशिया भी दिखा दीजिए, जो क्रोशिया का सेट होता है, सिंगल क्रोशिया होता है। ये क्रोशिया है, ये आप देख लीजिए, ये क्रोशिया, ये देख लीजिए व्यूअर्स, ये क्रोशिया है जिसमें नंबर्स लिखे हैं, ये देख लीजिए इसमें नंबर्स लिखे हुए। गोल्डन क्रोशिया है, सिल्वर क्रोशिया है। क्या प्राइस है? ये वाले 50 का है। अच्छा, ये देखिए इसमें छोटा सा। अच्छा, ये देख लीजिए, ये 70 का है। अच्छा, डबल क्रोशिया भी होते हैं, सिंगल एक जगह भी क्रोशिया होता है। ये पूरे क्रोशिया आपको मिल जाएंगे। आप लोग अगर काम करते हैं तो आपको पता होगा कौन सा नंबर यूज़ होता है और कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, तो आप मंगवा सकते हैं। एक पंचिंग नीडल है जो कढ़ाई वगैरह के काम में आती है। अच्छा, जो आपको उन्होंने ऊन दिखाया था। अच्छा, ये देख लीजिए, ये वैरायटी का मुझे नहीं पता, ये बस बता रहे हैं कि ये पंचिंग नीडल है, कढ़ाई में काम आती है, अगर आपको पता हो तो आप ले सकते हैं। क्या प्राइस है इसकी? क्या प्राइस है भाई इसकी? ये 550 की है। अच्छा, ये कढ़ाई के थ्रेड है। अच्छा, ये देख लीजिए, कढ़ाई के थ्रेड है। अच्छा, जो फ्रेम होता है वुडन फ्रेम कढ़ाई के लिए यूज होता है, वो उसकी प्राइसेस भी बता दीजिए। साइजेस के ऊपर होता है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये कढ़ाई के धागे हैं, कढ़ाई के धागे आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी। ये देख लीजिए, ये देखें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। प्राइस बता दीजिए भाई इन धागों की। 20 की एक है। 20 की एक है। लच्छी देखने आपको ऐसे मिल जाएगी। और ये मिरर वर्क में भी यूज़ होती है, जो मिरर के लिए फ्रेम लगाए जाते हैं छोटे छोटे से, उनमें यूज़ होती है। अच्छा, ये देखिए वुडन फ्रेम भी आ गए हैं जो कि कढ़ाई में यूज होते हैं। ये देखें इस तरीके के वुडन ये देखें नीडल भी भाई ने दिखा दिए कढ़ाई के लिए। अच्छा, डिफरेंट नीडल्स के साइजेस मिल जाएंगे जी। और जो मशीन की नीडल होती है वो भी मिल जाती है। ठीक है जी। अच्छा, ये देखें वुडन फ्रेम की प्राइस बता दीजिए भाई। ये वुडन फ्रेम है 8 इंच का है। अच्छा जी, ये 120 का है। और छोटा वाला कितने का है? छोटा वाला वो 90 का है। और इससे बड़े भी होते हैं, उनकी प्राइस पता है तो बता दीजिए। 12 नंबर का है, वो 180 का है। अच्छा जी, 15 रुपीज़ इंच है। अच्छा, जैसे कि 15 × 6 करेंगे तो आप 90 बनेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से ये देख लीजिए, आपको कढ़ाई का सामान भी दिखा दिया, इसमें आपको सुइयां भी दिखा दी है, जो सुई होती है, और धागे भी दिखा दिए।